धन इंडिया। जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। संघर्ष कभी खुद को पाने के लिए, कभी खुद को बचाने के लिए। युग बदला, समाज बदला और जिंदगी की इस जंग में हम आगे बढ़ते चले गए, पर कहीं ना कहीं समाज ने हमेशा स्त्री को पीछे छोड़ दिया। स्त्री ने भी समय समय पर आगे आकर अपनी ताकत को सिद्ध किया। हर स्त्री के आंचल में कहीं ना कहीं एक साहस, स्वाभिमान और संघर्ष से भरी एक कहानी होती है। ऐसी ही कहानी है पश्चिम बंगाल में रहने वाली सुमैला की। अबे यहीं कहीं छुपी होगी। देख, देखो ये, देख उधर, छोड़ेंगे नहीं आज उसको। राजा, लगता है निकल गई। अरे आज निकल गई तो निकल गई, मगर भाग के जाएगी कहां? रहना तो उसे इसी गांव में है। चलो रे, चलो। चाय बनी कि नहीं? है, होएगा छे, ये लो। इतनी देर लगाएगी? ओह, अरे सुनीला को था है? काम पे से लौटी नहीं है। अभी तक आई नहीं, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अरे उसको समझा, इतने देर तक घर से बाहर ना रहा करे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आती ही होगी, रोज जल्दी आ जाती है। पता नहीं आज देर कैसे कर दी। बहुत भगाया तूने आज, इतना नाटक क्यों कर रही है? चुपचाप हमारी बात मान क्यों नहीं लेती? देख, तू प्रेम से नहीं मानेगी तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमें जाने दो।
हाँ हाँ जाने देंगे, हमें कौन सा तुझे यहाँ बैठा के रखना है, बस एक बार मेरी बात मान ले। बहुत देर हो गई है, माँ बाबा हमारी राह देख रहे होंगे, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुझे, जाने देने के लिए थोड़ी ना तुझे पकड़ा है। पवित्र गांव कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, इसे पकड़। अरे की होते हो खाने, अरे जगदेश तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जेटू, बस ऐसी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ही हमारे देबू की लड़की हो ना? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बापला तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? चलो भागो यहां से। भले अकेले घर से मत निकला करो, आज बच गई मगर रोज रोज इन लोगों से बच नहीं पाओगे तुम। जाओ भागो यहां से, सीधा घर जाना, इधर उधर मत जाना, जाओ आजो चलो। लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए घर पर बैठने के लिए कह दिया जाता है, बहुत अच्छा सलूशन है। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जब वो घर पर हैं तो वो सुरक्षित हैं? और हमारे देश में लाखों सुमेला जैसी लड़कियां हैं जिन्हें अपने घर की जीविका के लिए घर से बाहर निकलना ही होता है, तो फिर वो क्या करें? सुमेला क्या हुआ था, कहां गई थी तू? क्या हुआ, अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पूछ इससे, कहां थी, किसके साथ थी, बाहर क्या कर रही थी? समझा के रख अपनी बेटी को, शाम होने से पहले काम खत्म करके घर में आ जाया करे। आज लड़कों ने इसे पकड़ लिया था, कल इसके साथ कुछ हो जाए तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे, समझे? तो इस बात के लिए आप इसको क्यों दोष दे रहे हैं, इसको क्यों डांट रहे हैं? कोई अगर इसके साथ गलत हरकत करता है तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि एक लड़की है और इसे इस बात को समझना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, शाम होने से पहले ये घर के अंदर होनी चाहिए, समझे? तो घर पे बिठा कर रखेंगे तो खाओगे क्या? हाँ कोई काम भी है तुम्हारे पास? खुद तो गांव के लोगों के साथ गप्पे लड़ाते रहते हो, हर दो दिन अगर ये काम पर नहीं गई तो खाओगे क्या, भूखे मरोगे? इज्जत सड़क पर आ जाए उससे चाहे भूखों मर जाए, समझा के रख इसे, ऐसा ना हो कि कल समझने और समझाने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही ना हो, समझ गई तुम? बापला दा ये ठीक नहीं किया सुमीला ने, जेठू काका के सामने अपमान किया हमारा, अरे जेठू काका के नजर में गिरा दिया हम सबको बापला दा। और तो और ये देखो बापला दा, इतना जोर से काटा है कि अब भी तक दर्द हो रहा है, मैं तो कहता हूं कुछ तो करना पड़ेगा उसका। उसने हमें जेठू दादा की नजरों में गिराया ना, अब देख अगर उसे मैंने दुनिया की नजरों में नहीं गिरा दिया तो मेरा नाम भी बापला नहीं। दर्द तो उसे अब हम देंगे, बस सिर्फ ये पता चल जाए कि वो किसके दम पर इतना ऊंचा उड़ रही है। अगर उस कबूतरी के मैंने पर नहीं कुतर दिए तो कहना तुम लोग मुझे। ए राजू
नजर रख उस पर, मैं बताता हूं उसे अब बाबला क्या चीज है। बेइज्जती करेगी बाबला की। क्यों रही हो? बस अब तुम हमको यहाँ से ले चलो, हमको नहीं रहना इस गांव में। कल फिर बापला ने हमारे से। चिंता मत करो सुमेला, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और इससे नहीं ले जाऊंगा, ब्याह के ले जाऊंगा तुझे। तुम्हारे बाबा मानेंगे ये जानते हुए कि हम किसी दूसरे बिरादरी के हैं? वो मेरे बाबा है, मानेंगे क्यों नहीं? अगर नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें मना लूंगा। कुछ भी हो जाए तेरा साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा सुन, मैं शहर जा रहा हूँ, सोचा कि तुमको पूछ लूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? एक रबर वाला छल्ला ले आना हमारे बालों के लिए। हाँ, ले आऊंगा। दादा, सुमी को खेत में दिखा रहा भी क्या था? क्या बात कर रहा है? अब दे, इसकी बैंड कैसे बजाता हूँ? अपने घिनौने मकसद में मिली हार का बदला लेने के लिए बापला के दिमाग में जो षड्यंत्र चल रहा था, उससे ये गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश शर्मसार होने वाला था। अपने पिता जीवनलाल सोरेन के पद, पूरे गांव में उनके दबदबे और रसूख का फायदा उठाकर बाबला ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सब चल पड़े बाबला के साथ। खोलो दरवाजा, खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों ना बाबा? कहाँ है तुम्हारी बेटी? पर बापला बात क्या है, क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा क्या बात है। ओए राजू, देख के लाओ उसे, चल। अरे बापला बताओ तो सही, बात क्या है, क्या हुआ? अब पूछ रहे हो क्या हुआ? इससे पूछो जिसने सारी बिरादरी का नाम खराब कर रखा है। बिरादरी के बाहर के लड़के से नैन मटक्के करती है तुम्हारी बेटी। क्या? चल इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, इसका फैसला बिरादरी के बड़े बुजुर्ग करेंगे, तुम दोनों नहीं। बाबला रुको, कहाँ लेके जा? आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी। मेरी बेटी दूसरे बिरादर के लड़के से संबंध क्यों बनाएगी? ये तो अपनी लड़की से पूछ कि बाहर के बिरादरी के लड़कों में ऐसा क्या लगा है जो वो उनके साथ अपना मुंह काला कर रही है। समीले बोल, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं, ये ऐसे नहीं बोलेगी। आप लोग फिक्र मत करिए, इसका मुंह खुलवाने का तरीका भी है मेरे पास। ए राजू, आदा जा जा रहा। कौन है ये लड़का? सुमिला बोल, तू इसे नहीं जानती? अरे चुप क्यों है? बोल बोल, बोलती क्यों नहीं? सच सच बता, बिरादरी के बाहर के लड़के के साथ तूने संबंध बनाए हैं? हाँ। जोर से बोल, जोर से। तेरी बात सारी बिरादरी सुनना चाहती है।
ये सच है। क्या क्या बोल रही है तू? क्या बकवास कर रही है? हॉस्पिटल है कि तू कहां खड़ी है और क्या बोल रही है? मैं तेरे गला तो बातों को फाड़ दूंगा तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी बेटी है। और बेटी ने जो नाक कटवाई है उसका क्या? हे काका, अब थप्पड़ मारने से क्या होगा? पहले समझाना चाहिए था ना। अब जब सारी बिरादरी की इज्जत का तमाशा बन गया है तो होश आया है आपको? है यही लड़का है वो जी? क्यों रे, सही कह रही है ये लड़की? झूठ बोल रही है ये। मैं इससे प्यार व्यार नहीं करता, ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। हाँ, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं। चिंता मत करो सुमेला, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और इसे नहीं ले जाऊंगा, ब्याह के ले जाऊंगा। कुछ भी हो जाए तेरा साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दें? लड़के का कोई कसूर नहीं, ये लड़की खामखा उसके पीछे पड़ी हुई है। छोड़ दो इसे, जाने दो, और दोबारा इस गांव की तरफ पलट के भी मत देखना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब बोल, क्यों किया इतना बड़ा गुनाह तूने? बोल। जाने दीजिए शोरन बाबू, माफ कर देने के, ये तो बचपन में हो गया। ऐसी गलती को तो गांव के पंचायत भी माफ कर देते हैं। ये मामला गांव की पंचायत का नहीं है, ये हमारे बिरादरी के मान का है, और बिरादरी के मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बापलादा जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बिरादरी की लड़कियां कभी भी बिरादरी से बाहर नहीं जाती। अरे आज इस लड़की ने हिम्मत किया है, कल कोई और करेगा, इसे सजा तो देनी पड़ेगी। मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो सबके लिए एक सबक बन जाए। सही कहते हो बापलादा, इस लड़की ने शर्म को कपड़ों की तरह उतार डाला है। तो इसकी सजा तय। इसकी सजा ये है कि इसके कपड़े उतार कर, इसको नंगा करके तीन गांव घुमाया जाए। बोला था ना तुझे कि मेरे सामने कपड़े उतार दे, लेकिन नहीं, तेरी समझ में नहीं आया। पहले मान जाती तो इन गांव वालों के सामने तुझे कपड़े नहीं उतारने पड़ते।
अब भुगत। देख लो गांव वालों, जो हमारी परंपरा को नहीं मानेगा उसका हश्र यही होगा। गांव की और बिरादरी की इज्जत के नाम पर उसी गांव की एक लड़की की इज्जत को उछाला गया। इसी हालत में सुमेला ने 3 गांव के चक्कर लगाए। लोगों ने उसके वीडियो बनाए, फोटो खींचे, उसका मजाक बनाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ा। बिरादरी की इज्जत के नाम पर सुमेला की खुद की बिरादरी ने ऐसी सजा सुनाकर हैवानियत की सारी सीमाओं को पार कर दिया। किसी ने भी नहीं सोचा कि किसी लड़की पर इतना अत्याचार करोगे तो उस पर क्या बीतेगी। छोड़ो इसे, चलो रे, सब चलो, सब चलो। कुछ भी बोलो बाबला दा, मान गए आपको, कसम से मजा आ गया। सजा में भी मजा, जब अपना चेहरा आईने में देखेगी तो बापला दा हाँ बहुत याद आओगे उसे। आईने में नहीं, उसका चेहरा तो अब हर जगह नजर आना चाहिए, इतना नजर आना चाहिए कि वो खुद इस दुनिया से अपना चेहरा छिपाती फिरे। इस हालत में जिसने उसे देखा वो तो देखा, और जिसने नहीं देखा उसे अब हम दिखाएंगे। सुमेला का MMS ये गया। खाना खा ले बेटी। सुमेला के लिए ये दर्द सहना बहुत ही मुश्किल हो गया था, किसी के लिए भी होता। जब उसे और सहन नहीं हुआ तो खुद ही उसने अपने आप को अपने घर में कैद कर लिया। 2 महीने तक वो बस यूं ही जीती रही। अरे कैसे करना? अरे दादा, कल ही एक नया मोबाइल लिया। अरे दादा मुझे वो सुमेला वाली फिल्म दे दो ना। अरे ब्लूटूथ है तेरे मोबाइल पे? दादा है ना। तो ब्लूटूथ दान करना। अरे तू भी ले, वीडियो के साथ साथ फोटो भी भेज रहा है तुझे। क्यों? सुमेला का बाप यहीं बैठा है। अरे तो और भी अच्छी बात है ना। अरे उसी से ही सौदा कर लेते हैं। फटो क्या, असलियत में भी मिल जाएगा। अरे नली का ले। बजो बजो बजो। हाँ जाओ के ले, जाओ लाओ। लो आप आ गए, आइए खाना खा लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? जिनकी आंखों का पानी मर जाता है उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जहर खा रहा हूं, तुम भी खा के मर जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग तो ठिकाने पे है ना? दिमाग ठिकाने पर है तभी तो कह रहा हूं, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम दोनों मर जाएं, या उसे जहर देकर मार दे। जब तक वो जिंदा रहेगी हम रोज तिल तिल करके मरते रहेंगे, और हर रोज उस मनहूस का चेहरा देखते रहेंगे और गांव वालों के ताने सुनते रहेंगे।
आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम माँ बाप हैं, हमें तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, जो हुआ उसे बुलाने में मदद करनी चाहिए। तुमको क्या लगता है काम वाले भूलने देंगे? वो कभी नहीं भूलने देंगे, वो हम लोगों को बचारू समझते हैं, बचारू। हे भगवान। ए सुमिला, सुमिला दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। देखिए ना, दरवाजा नहीं खोल रही है, कहीं आपकी बातें सुनकर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर ली? चलिए ना। ए सुमिला, क्या कर रही थी तू अंदर? तैयार होके कहाँ जा रही है? अब क्या करने का इरादा है तेरा? अरे इज्जत चले गई उससे पेट नहीं भरा तेरा? उसे इज्जत को वापस लेने जा रही हूँ बाबा। क्या बोला तूने, वापस लेने? पागल हो गई है क्या? तुझे नहीं पता मरा हुआ इंसान और खोई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती? पता है मुझे, जानती हूँ मैं। उस तिल तिल करके मरने का दर्द मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। गांव वालों ने मुझे सजा सुनाई, लेकिन जो गांव वालों ने मेरे साथ किया उसकी सजा उन्हें कौन देगा? दिमाग में तेरे पत्थर पड़ गए क्या? गांव वालों को सजा दिलवाएगी? अरे होश में तो है तू? अब तो पूरे होश में आई हूँ बाबा। रुक, अरे रुक। तो सावधान।